आगे बढ़ते हैं और अब खबर शामिल करते हैं। सेंट पॉलिस के शेरदिल ऑफिसर एसएसपी सीआईडी शहीद चौधरी असलम की 9वीं बरसी की तकरीब कराची प्रेस क्लब पर मुनाकिद की गई। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारी ब्यूरो चीफ ईस्टर गिल से। जी ईस्टर गिल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हमारे साथ मौजूद है सबका वजीर दाखिला साहब, तो इनसे भी बात करते हैं कि इन्होंने आज जो है असलम साहब की 9वीं बरसी में शिरकत की है, इस हवाले से इनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ मौजूद है मैडम नौरीन मिसेस चौधरी असलम, तो इनसे जानते हैं कि आज सर की 9वीं बरसी है, तो इनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे आप खड़े थे? जी मैं ठीक ठाक कर रही हूँ। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आपकी मेजबान एस्ट्रो महमूद गुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पे, जहाँ आज चौधरी असलम आपकी 9वीं बरसी मनाई जा रही है और उनकी मोहब्बत में यहाँ बहुत सारी लोग जमा हैं जो कि उनकी मोहब्बत में आए हैं, तो हमारे साथ रहिएगा, आपको हम आप दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? करम नवाजी। सर आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? आज असलम साहब की 9वीं बरसी भी है और हज़ारा कल्चर डे। असलम साहब की 9वीं बरसी तो समझे उनकी यादगार के लिए, लेकिन मैंने यहाँ जो आयत पढ़ी कि शहीद जो है वो जिंदा है उसे मुर्दा गुमान भी मत करो, तो चौधरी असलम के साथ तो हमारा बहुत ज़्यादा, चूंकि मैं जेल डिपार्टमेंट में था तो ज़माने से इनसे हमारा ताल्लुक था, और जालिमों के लिए खौफ की अलामत था और खौफ इसके करीब से भी नहीं गुजरा था। आप यकीन माने कि एक दौर ऐसा आ गया था कि कराची में पुलिस स्टेशन जो है उनको बंद रखा जाता था कि यहाँ अटैक हो जाए, नहीं हो जाए, ये हो जाए। जब इन लोगों ने काम शुरू किया अपनी जानों को हथेली पर रखकर, तो उसके बाद जो है फिर लोगों ने आना जाना भी शुरू किया और थानों के दूसरे ये गेट। हमारे साथ मौजूद है सबका वजीर दाखिला साहब, तो इनसे भी बात करते हैं कि इन्होंने आज जो है असलम साहब की 9वीं बरसी में शिरकत की है, इस हवाले से इनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहना चाहेंगे आप? चौधरी असलम एक अजीम बहादुर और इंतहाई शरीफ उन्नस इंसान थे और कराची सिंध और पाकिस्तान के लिए लॉ एंड ऑर्डर के क़याम में उसका एक बड़ा कलीदी किरदार है, इसलिए उसे आज कौम भी खराज अकीदत पेश करती है। और मैंने कहा कि मेरे अपने वक्त में जो लॉ एंड ऑर्डर था पूरे शहर में और पूरे सिंध में, उसमें तो इसने अहम तरीन मरकजी किरदार अंजाम दिया था और अल्लाह ताला उसकी मफ़त करे वो शहादत के दर्जे पे फायज हुआ, तो उसके लिए अभी मैंने एक शेर पढ़ा था वो मैं दोहरा देता हूँ कि नाम शहीदा खुद भी सही जो लाश उठाओ अपनी है, नाम शहीदा खुद भी सही जो लाश उठाओ अपनी है, ऊंचे कद मजबूत बदन और सबके रंग सुनहरे। आप क्या कहना चाहेंगे आज आपके वालिद साहब की 9वीं बरसी है इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं इधर जितने भी तमाम लोग आए हैं मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सबसे पहले क्योंकि उनकी मोहब्बत है जो आज मेरे वालिद का नाम जिंदा है, उनकी वजह से जो लोगों का प्यार है वही हमें मोटिवेट करता है कि हम भी उस नाम को आगे लेके चलें और आगे बढ़े उनके नाम को लेके जिंदगी में, ये सबका प्यार है जो उनका नाम जिंदा है। सर पिछले साल जो है वो चौधरी साहब की एक मूवी जो है वो आई थी, इस हवाले से आपका क्या कहना है उसके हवाले से, वो कैसी चल रही है क्या? जी जी बिल्कुल आई थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा काफी बट कुछ चीजें थी जैसे कि बट वो काफी हद तक अच्छा रिस्पॉन्स रहा मूवी का भी और लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया उस मूवी को, सपोर्ट भी किया, और मैं पर्सनली चाहता हूं कि हमारी यूथ जो है वो मूवी देखे क्योंकि वो देखेगी फिर आगे आएगी जिंदगी में अपने, तो क्योंकि लोगों की नज़र में ये पुलिस एक यूथ जो है वो मूवी जो मोटिवेट करेगी अब हमारी यूथ को इस दुनिया में कि वो भी आगे आए इस काम में, इस काम को आगे बढ़ाएं, पुलिस को बढ़ावा दें। पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी पुलिस जिंदाबाद है और क्या पुलिस के लिए कहेंगे, पुलिस नहीं होगी तो हम सुकून से कैसे सोएंगे, पुलिस है तो हम है। माशाल्लाह चौधरी असलम शहीद सिंध पुलिस के फख्र भी थे और बड़े ही नडर बहादुर पुलिस अफिसर थे जिन्होंने कराची में अमन व अमान के क़याम के लिए बड़ी खिदमात हैं उनकी, और ख़ासकर लियारी गैंगवार के मामलों में भी तो उसके खात्मे में भी बहुत बड़ा किरदार रहा, और उन्होंने अपनी बहादुरी से तमाम जराइम पेशा अनासर का दहशतगर्दों का मुकाबला किया और मुकाबला करते हुए अपनी जान की बाजी उन्होंने हार दी और वो शहीद हुए। आज
ये पूरी कौम जो उनसे मोहब्बत करती है, प्यार का इजहार करती है, तो वो आज बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए, जिससे ये साबित हुआ कि जो फ़र्द अपनी कौम के लिए कुर्बानी देता है, कौम उसे ज़रूर याद रखती है और कौम उसके लिए तवील अरसे तक उसके लिए बाहर निकल के आती है। आज आप देखें कि कराची में कल्चर हज़ारा कल्चर डे के हवाले से ही बहुत सरगर्मियाँ हैं और कल्चर के प्रोग्राम जब होते हैं तो फिर वहाँ बरसी में लोगों की आमद बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये चौधरी असलम से लोगों का मोहब्बत का इजहार था और उनकी फैमिली से खुसूसन नौरीन असलम साहिबा जो उनकी एहलिया हैं उनकी खुसूसी काबिश हैं कि जिन्होंने 9 साल तक उनके परचम को बुलंद रखा। हमारे साथ मौजूद है मैडम नौरीन मिसेस चौधरी असलम, तो इनसे जानते हैं कि आज सर की 9वीं बरसी है, तो इनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे आप करें थे? जी मैं ठीक ठाक हूं। मैम आज सर की 9वीं बरसी है चौधरी असलम साहब की, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या कहना है? बरसी आपके सामने जा रही है, अपने शॉर्ट टाइम पे रखी है बरसी, क्योंकि कल्चर भी चल रहा है साथ साथ, जमात इस्लामी के भी जलसे, उसमें हमारा काफी क्राउड जो है इलाकों में रुका, क्योंकि हमने रोक दिया कि फायदा नहीं होगा, टाइम कम होता, तो बहरहाल आज असलम को 9 साल कंप्लीट हुए। तो मैम हजारा कल्चर डे भी है आज, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? कल्चर तो मेरा भी हजारा है और चौधरी असलम भी हजारा ही का सबूत है, फख्र हजारा है। इंशाल्लाह बरसी खत्म होने के बाद कल्चर में शामिल हूँ। इंशाल्लाह, थैंक यू मैम।